नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जिले के बिरसिंहपुर पाली स्थित संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र मंगठार में निकलने वाली फ्लाई एश का वाहनों से ओवरलोड किया जा रहा है, जहां संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से ये कार्य किया जा रहा, जिसके चलते नई सड़कें पूरी तरह से खराब हो गई हैं एवं खराब सड़कों पर लोगों का चलना दुश्वार हो गया है। आए दिन खराब सड़क मार्ग पर एक्सीडेंट की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं एवं यहां के पावर प्लांटों से निकलने वाली फ्लाई एश को वाहनों के माध्यम से सीमेंट फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है और वाहनों में ओवरलोड करते हुए राखड़ भरी जाती है, जिससे एक ओर सड़कें खराब हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर आए दिन दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है एवं पिछले दिनों में ओवरलोड वाहनों से जिले में अनेकों घटनाएँ हो चुकी हैं। वही संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से वाहनों में क्षमता से अधिक राखड़ ओवरलोड करके परिवहन कराया जा रहा है, जिसमें प्रबंधन के जिम्मेदार लोग भी सवालों के घेरे में हैं। वही ओवरलोड मामले को लेकर पूर्व के समय में भी लोगों के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि बिरसिंहपुर पाली मंगठार पावर प्लांट से निकलने वाली फ्लाई एश को सीमेंट कंपनी पहुंचाया जाता है, जहां इस ओवरलोड पर रोक लगाए जाने की बात कही गई थी। उमरिया से शंकर सिंह की रिपोर्ट। क्योंकि जो परिवहन ओवरलोड करके जाते हैं, जबकि शासन के नियमों के अनुसार उनकी एक लोड की एक सीमा होती है, किंतु पैसे का लेन देन करते हुए साठ गांठ करके अधिकारी कर्मचारियों से और ओवरलोड लेके जाते हैं, जिस कारण सड़कों का टूट जाना रोज की बात हो जाती है और उसका भार आम जनता पर पड़ता है। ऐसे में इन परिवहन मालिकों के ऊपर और जो कंपनियां संचालित करती हैं उनके ऊपर जांच कार्रवाई कर उनको दंडित किया जावे और जनता को इनसे अभी NH में देखने को मिल रहा है कि पूरी अभी नई सड़क बनी है दो साल पहले और भारी वाहन राखड़ का मंगठार के द्वारा लोडिंग अनलोडिंग चल रही है, जिसके कारण पूरी सड़क उखड़ रही है। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि जो भारी वाहन सड़कों पे दौड़ रहे हैं उस पर अंकुश लगाएं, RTO विभाग इस पर सख्त निगरानी रखे, वरना ये जो पैसा देश का भी बर्बाद हो रहा है और आम जन परेशान हो गई। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं भारी वाहन, जिससे कि सड़कों की दुर्दशा देखने लगे। जो हमारे यहाँ मंगठार और पाली में जो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है, वहाँ से राखड़ निकलता है और राखड़ लेकर के और बड़े बड़े ट्रक और डंपर कैप्सूल ये उमरिया होकर के निकलते हैं जिरावगढ़ कटनी के लिए और ओवरलोड रहता है। उनके हिसाब से हमारे यहाँ की जो रोडें हैं वो नहीं बनाई गई हैं। ओवरलोड के कारण रोडों में बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं और रोड एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, हानि हो रही है। और इसमें RTO ने इसे मुंह मोड़ रखा है, RTO को इस पर ध्यान देना चाहिए और ट्रैफिक विभाग को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि हजारों लाखों रुपए का जन हानि और धन हानि हो रही है, तो इस तरह की जो ओवरलोडिंग है वो रुकनी चाहिए ताकि हमारे रोड की सुरक्षा हो सके और लोगों की भी सुरक्षा। ये अपने उमरिया जिला अंतर्गत जो संजय ताप विद्युत केंद्र है, वहाँ से जो राखड़ निकलती है और कैप्सूल में भरकर ये विभिन्न जगह सतना जिले में मैहर और यहाँ से फैक्ट्रियों में जाती है, तो वो जो कैप्सूल वगैरह चलती हैं उनकी जो भारी वाहन है और जो क्षमता है वो लगभग 80 टन लेकर जो ओवरलोड लेके जाते हैं, जो कि नवनिर्मित सड़क है जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित हुई है, जिसमें छोटे वाहन चलें और कम क्षमता वाले चलें, लेकिन उनको अनदेखी करके बड़े बड़े कैप्सूल निकाल रहे हैं जो 60 टन 70 टन 80 टन भर के जा रहे हैं, जिससे जो सड़क है वो अभी जो हैंडओवर भी नहीं हुई है उसके पहले उसकी हालत जर्जर हो गई है। जगह जगह बड़े बड़े खड्डे हैं जिसके कारण आए दिन यहाँ रोड दुर्घटना होती है और पब्लिक की जान जा रही है और कई दुर्घटना देखने में आई है जिसमें बहुत से लोग की मृत्यु हो गई है। इसलिए हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जो ये ओवरलोडिंग लेके जो कैप्सूल वगैरह जाते हैं उनमें सख्त कार्रवाई की जाए और जिससे ये जो सड़क है परिवहन मार्ग है ये